महसूस हो रही है। लेकिन आपका तो खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा नाम है, सारे सरकारों के पास डायरेक्ट एक्सेस है, किसी भी मुख्यमंत्री से खेसारी लाल मिल सकते हैं, किस प्रधानमंत्री से चाहे तो मिल सकते हैं। कभी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की भैया देश में जनता मर रही है कुछ कीजिए, किसान मर रहे हैं कुछ कीजिए, खेसारी ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की? क्या आनंद जी गजब सरल करते हैं, कदम डायरेक्ट लिंक ताजी मोदी जी हमारे मोर्चा लगते हैं ऐसा बोल रहा है कि जैसा हमें डायरेक्ट लिंक। अखिलेश जी से तो आप पिछले दिनों मिले ही थे, कम से कम वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं बताइए तू रह चुके हैं जो है उनसे कहाँ मिले हैं, बात वहाँ नहीं है अखिलेश जी आनंद जी, बात यहाँ है कि हमारे मिलने से क्या समस्या, जो जमीन पे रह रहा है वो बेहतर जानता है कि मैं बॉम्बे रह के बेहतर जानता हूँ, जमीन वाला बेहतर जानता है। तो क्या नीतीश चाचा जमीन पे नहीं है, वो फ्लाइटन में खाना खाते हैं, वो जमीन पे नहीं घूमते, हमारे योगी जी नहीं रहते हैं, अखिलेश जी नहीं रहते हैं, कौन नेता बताइए जमीन पे नहीं रहता है? वोट मांगने के लिए तो जाना ही पड़ता है जमीन पे, तो समस्या लोगों को तो देख ही रहे हैं लोग। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं कभी कभी जमीन पे जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो समस्या देखने तो जाता नहीं, मैं अपना काम देखने जाता हूँ, मैं अपना काम करने जाता हूँ। लेकिन देखिए हर आदमी के लिए एक जगह बनाई गई है, हमारे नेताओं को इसीलिए चुना जाता है ताकि हमारे समस्या को देखें, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इंटरटेन के लिए चुना गया है। मैं इंटरटेन के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों का उपकार भी करूँ, लोगों का मदद भी करूँ, मैं अपने विधा से हटकर एक इंसानियत का धर्म निभाता हूँ, मैं हर एक आदमी का मदद करने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी क्षमता है जी। लेकिन अगर किसी के लिए, अभी बताइए आपको पत्रकार के लिए रखा गया है, सवाल पूछने के लिए रखा गया है, और आप ही इनसे कहेंगे कि सर वो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो दिक्कत है ना ये। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी उसको जानते हैं, लोगों की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है, अपने राज्य की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है। आप अपने बेटे को अमेरिका, अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाते हैं जी, हॉस्टल में डाल देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सबके बेटे अमेरिका पढ़ने चाहिए? आपके अपने बेटे का भविष्य है और दूसरे के बेटे का भविष्य नहीं है। तो इसलिए हर समस्या से उलझने जूझने के लिए निकलने के लिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा का एक निर्माण किया कि नहीं, कोविड के टाइम पे ही ना लीजिए, कोविड से पहले, कोविड से कि पहला जो फर्स्ट जो आया था कोविड, उससे पहले हम लोगों ने समस्या शुरू हो गई थी किसानों की, तो हम लोगों ने उसी में बैठ कर किसानों की समस्या को आगे करने की कोशिश की। अब सरकार इसको कितना, और लोग मुझे लगता है कि इसी समस्या को लेकर अगर लोग जागरूक हों और इस सिनेमा को बड़े स्तर पे लेके जाएं तो देखिए वो तो हमारी जनता के ऊपर है।